बहुत से लोग मुझसे ऑनलाइन भी पूछते हैं और बहुत से लोग क्लिनिक में भी आके पूछते हैं कि जी हमें वक्फ वक्फ से पेशाब आता है, बहुत जल्दी जल्दी पेशाब आता है, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम भी है या नहीं है? तो एक प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, इसे बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर ओएबी। इसमें जो आपका मसाना है वो सही काम नहीं कर रहा होता, बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहा होता है, जल्दी काम कर रहा होता है। इस वीडियो में मैं आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर के बारे में सारी की सारी चीजें बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसे कैसे रोका जा सकता है। 100% रिजल्ट आएगा। घंटी का आइकॉन दबाएं ताकि आगे भी आपको अलर्ट मिले। दोस्तों, रिश्तेदारों से भी इंफॉर्मेशन शेयर करें। अब काम की बात करते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जरूरत से ज्यादा अगर आपका मसाना तेज काम कर रहा है, मुथर हुआ हुआ है, तो फिर आपको मसाने में प्रॉब्लम होगी। वक्फ वक्फ से आपको पेशाब के लिए जाना पड़ेगा हर 15 मिनट, एक घंटे, दो घंटे में। वैसे तो हम लोग तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद पेशाब करने जाते हैं और टोटल कोई 4 से 6 दफा दिन में पेशाब करते हैं, लेकिन ऐसे लोग 10 से 12 दफा, 14 दफा भी पेशाब करते हैं और इसे ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। थोड़ा आपको मसाने के बारे में बता दूं, ब्लैडर कहलाता है यूरिनरी ब्लैडर। मसाना जो होता है इसकी कैपेसिटी तकरीबन 450 से 500 सीसी होती है और यह जब भरने लगता है तो तकरीबन 200 से 250 पे आपको अलार्म बजता है, एक घंटी बजती है कि आपका मसाना भर रहा है। और फिर 400 पे तो बहुत ही ज्यादा आपको शदीद अर्ज होती है जाने की और इस तरह से आप जाके अपने मसाने को खाली करते हैं। मसाने के काफी लेयर होते हैं, जब ये खाली होता है तो थोड़ा मोटी लेयर्स का होता है, जब भरता है तो पतली लेयर होती है और फिर दिमाग को सिग्नल जाते हैं और वहां से सिग्नल आते हैं और फिर आप जाते हैं पेशाब करने। कुछ लोगों में ऐसा होता है कि यह सिग्नल बहुत जल्दी आ जाता है 200 पे और वो जैसे ही आता है वो चले जाते हैं पेशाब करने, तो इसे ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। 16% पॉपुलेशन में हमारे ओवर एक्टिव ब्लैडर पाया जाता है और यह बड़ा नंबर है कि 100 में से 16 लोगों को यह प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों को यह भी मसला होता है कि रात को भी उनका ब्लैडर ओवर एक्टिव होता है तो रात को भी उन्हें 2 से 3 दफा, 4 दफा उठ के जाना पड़ता है। यह प्रॉब्लम दूध के अंदर भी होती है जब आपका प्रोस्टेट बढ़ता है, लेकिन यह जवानों में और जिनमें दूध नहीं है उनमें हो रही है तो यह फिर ओवर एक्टिव ब्लैडर की भी निशानी हो सकती है। सबसे पहली चीज आपने तशली करनी होती है हिस्ट्री एग्जामिनेशन, तो हम करते हैं। उसके बाद आपने पेशाब का एक टेस्ट कराना होता है, तो यूरिन डीआर और सीएस ताकि पता चल जाए कोई इंफेक्शन तो नहीं है। इंफेक्शन में भी ये सारी चीजें हो सकती हैं, वक्फ से पेशाब आए, खून आए, तकलीफ हो, बुखार हो, लेकिन इसके अंदर बुखार और बाकी चीजें नहीं होती, आपको नॉर्मली होता है, तो पेशाब की रिपोर्ट कराने से ये रूल आउट हो जाएगा। उसके बाद आप एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। अल्ट्रासाउंड गुर्दे का भी कराते हैं, मसाने का भी कराते हैं और पोस्ट फीड रेसिडुअल पीवीआर कहते हैं उसे, कि पेशाब करने के बाद आप कितना मसाना खाली कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपना मसाना ही पूरा खाली नहीं कर रहे जिसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो यह भी देखने की बहुत शदीद जरूरत होती है। कुछ लोग यूएफएम भी कराते हैं, वो भी एक पेशाब का टेस्ट होता है जिससे पता ले सकते हैं इसके फैक्टर्स में क्या क्या शामिल है। इसमें आपके जो स्टोरेज है, आपके मसाने का जो साइज है, वो छोटा हो गया है क्योंकि उसको आपने सही काम नहीं किया। इसके अर डिटूजर मसल होता है जो है आपने उसकी एक्सरसाइज सही नहीं कराई हुई, उसको टेम नहीं किया हुआ, तो वो बहुत ही छोटे साइज का हो गया है। जैसे आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह मसाने की भी ट्रेनिंग कराने की जरूरत है। अगर आपका मसाना छोटे साइज का होगा
आपको बहुत ही जल्दी में रहते हैं और जल्दी जल्दी हर चीज करनी होती है। तो आप बोलते हैं, यार जल्दी जाके पेशाब कर लूं, कहीं ट्रेवल करना है, कहीं आना है, कहीं जाना है, कोई मीटिंग में जाना है, पहले पेशाब कर लूं। तो मसाने को आदत हो जाती है कि शायद ये 200 भरता है ना, तभी मुझे खाली होना है। तो वो अलार्म भेज देता है दिमाग को और आप फिर जाके पेशाब भी कर लेते हैं। यह भी एक क्राइटेरिया है कि आपके मसाने की आदत बन गई है कि वो जल्दी हो जाए। वजन बढ़ना भी इसमें शामिल है, खवातीन के साथ भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये काफी फैक्टर्स हैं जो मिलके करते हैं। जेबस बहुत बड़ा फैक्टर है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्ट्रोक किसी को हुआ हो, उसका दिमाग का रिलेशन सही नहीं चल रहा, किसी को रेडिएशन स्वाय लगी हुई है, मसाने में पार्किंसनिज एक चीज होती है, झटकों की बीमारी वो हो सकती है, और कुछ लोग को ऑपरेशन के बाद भी ओवर एक्टिव ब्लैडर हो जाता है और उसको सही करने की बहुत सख्त जरूरत होती है। इलाज के बारे में बात करते हैं और इसके अंदर यह है कि आपने पानी का नॉर्मल इंटेक रखना है, पानी का इंटेक ना ज्यादा ना कम, नॉर्मल इंटेक रखना है। बहुत ज्यादा पानी पिएंगे तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, छोटी छोटी सिप्स में कम कम पानी पिए, आपकी डिहाइड्रेटेड भी नहीं होंगे और आपको यह प्रॉब्लम भी पूरी एक लीटर की पानी की बोतल पी लेंगे, फिर पेशाब के लिए 2 से 3 दफा आपको जाना पड़ेगा। दूसरी चीज, अपने मसाने की जो आदत है उसको सही करना है। आपने अगर आप डरे नहीं, आप लोग डर जाते हैं, यार कि मैं ट्रेवल कर रहा हूं, बीच में पेशाब आ गया क्या है? अगर आ गया तो आप रुक के कर लीजिएगा पेशाब। अगर आप कहीं मीटिंग में हैं, तो बाहर उठ के आ जाएगा कि जी मुझे वॉशरूम से होके आना है। तो इस तरह से आप अपनी ब्रेन को, दिमाग को टेम करें, उसको ये आदत दिलाएं कि जी ये इमरजेंसी नहीं है। बहुत से लोगों को ये चीजें करने की वजह से जल्दी जल्दी पेशाब आना शुरू हो जाता है कि जी वजू ना खराब हो जाए, वजू कर रहा हूं तो पेशाब भी कर लूं। कहीं फिर उसके बाद प्रॉब्लम, तो आप दोबारा वजू कर लें। उसके लिए इतना दिमाग को आपने टेम कर दिया है कि जी वो बस 150 से 200 पे ही आपको पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैफीनेटेड ड्रिंक्स। आपकी कॉफी, चाय पीते हैं हम और कुछ लोग जो है शराब पीते हैं। ये डायूरेटिक्स हैं, ये पेशाब आपका ज्यादा कराती हैं सारी चीजें। तो इसको आप थोड़ा अवॉइड करें अगर आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर या बहुत ज्यादा पेशाब आ रहा है। इस तरह से तो अपनी इन चीजों को कम कर दें, तो इससे भी आपका फायदा हो सकता है। चौथी चीज, कप्स को अवॉइड करें। जो पेशाब का सिस्टम है वो पकाने के बिल्कुल साथ में है, रेक्टम है और आगे मसाना है। तो अगर आप कॉन्स्टिपेशन में हैं, ओवर एक्टिव ब्लैडर और यह सारी प्रॉब्लम रहेगी। इसलिए हम एडवाइस करते हैं सबको कि जो भी पेशाब की तकलीफ के साथ है, कहीं आपको कब्ज होनी है, कब्ज को दूर करें, तो ये भी प्रॉब्लम भी आपकी हल हो सकती है। पांचवी चीज, कभी कभी डॉक्टर्स आपसे एडवांस ट्रीटमेंट की भी एडवाइस कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को मेडिसिन की जरूरत पड़ती है और बहुत सारे लोग ये मेडिसिन भी करते हैं और डॉक्टर्स इसको बहुत सख्ती से लेते हैं, इलाज करते हैं। दवा के साथ साथ आपको ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार लाएं, एक्सरसाइज करें, डाइटिंग करें और अपनी चीजों को बहुत ही सेहतमंद करें। तो इस तरह से आपका मसाना भी ठीक हो सकता है। आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको आगे और भी हेल्थ से जुड़े वीडियो मिल सकें। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें, मैं उन्हें जरूर अटेंड करूंगा।